बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त हम तौंसा बिराज के ऊपर खड़े हुए हैं और ये जो मेरे पीछे आपको मंज़र नज़र आ रहा है, ये जी जो है सिंध है। अगर आप लोग इसको प्रॉपरली देख पा रहे हैं, क्योंकि सूरज की वजह से, पानी के ऊपर सूरज का अक्स पड़ रहा है और इस वजह से ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा। तो आज हम यहाँ पर आए हैं जी। मैं इसका आपके साथ थोड़ा सा बैकग्राउंड शेयर करता हूँ कि तौंसा बिराज को कब बनाया गया, उसके ड्राफ्ट मैन जो थे वो कौन थे। 1959 में इसको कंप्लीट किया गया। और सबसे पहले ये जो दरिया आ रहा है, ये दरिया सिंध है और इस दरिया सिंध के ऊपर 6 बिराजेज हैं जी, जो मेनली जिनको मैं जानता हूँ। बहने में इसमें कमी पेशी भी हो सकती है। सबसे पहले आता है जी चश्मा बिराज, उसके बाद ये तौंसा बिराज, और इसके बाद जो अगला है वो गुड्डू, फिर सक्कर, जिनाह और कोटड़ी बिराज। इसके ऊपर दरिया सिंध के ऊपर मेन जो बिराजेज हैं वो बनाए गए हैं। असल में बिराज के बनाने का मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि जी आप अपनी ज़मीनों को, एरीगेशन सिस्टम जो है उसको बेहतर बनाएं और यहाँ पे पानी को रोक कर आप पानी की तकसीम करें और मुख्तलिफ इलाकों में पानी को पहुँचाएँ और वहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी ज़मीनों के लिए इस पानी को इस्तेमाल कर सकें। दूसरी बात यह है कि जी ये जो दरियाई पानी होता है, ये ज़मीनों और फसलों के लिए बहुत ही मुफीद होता है। अब बात करते हैं कि जी ये कब बनाया गया। इसको 1959 में कंप्लीट किया गया था और ये चश्मा बिराज है, इसको फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर में बनाया गया था। इसके डिज़ाइन करने वाले जो थे वो सैयद अल्ताफ हुसैन थे और उनको फिर जनरल अयूब यानी कि फील्ड मार्शल अयूब खान ने उनको फिर एजाज़ से भी नवाजा था। तो इसको ऑपरेट जो किया गया था वो 1959 में ऑपरेट भी कर दिया गया था। इससे असल में निकलने वाली कैनाल्स कौन कौन सी हैं जनाब? इसमें से निकलने वाली 3 कैनाल्स हैं। एक मुजफ्फरगढ़ कैनाल, दूसरी जो है वो है डेरा गाजी खान कैनाल और तीसरी जो है वो कच्ची कैनाल है।
इंडस रिवर के ऊपर बहुत ही अच्छा सेटअप बनाया हुआ है इन्होंने। इसको इधर कम्प्लीटली बाड़ लगाई हुई है और इसको कवर किया गया था कि बच्चे वगैरह यहाँ पे आते हैं तो वो नीचे ना जाएं। और दूसरा ये है कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी बनाए गए हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। इंडस रिवर की सबसे जो ख़ास बात है वो यहाँ की इसमें पाए जाने वाली ब्लाइंड डॉल्फिन, जो कि दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर जो इन्होंने हट्स बनाए हुए हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं, और आपको मैं दिखाता हूँ ये पीछे जो हट है आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल नेचुरली इन्होंने बनाया हुआ है और बहुत ही प्यारा व्यू दे रहे हैं यहाँ का। कोई 3-4 साल पहले मैंने यहाँ से डाइन किया था तो बहुत अच्छा टेस्ट भी है इनका। आज फिर आए हैं, देखते हैं जी यहाँ की चीज़ों को। और ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने बनाया हुआ है इस हट को, बेल ऊपर लगी हुई है और इसका नाम जो है रिवर इन रेस्टोरेंट है यहाँ पर जो इन्होंने बनाया हुआ है।